फाइंड पी आर, पी आर देखिए ये लाइन है हमारी, और यहाँ से हमें ये टेंजेंट्स दिख रहे हैं, ये छोटे सर्कल के साथ, ये बड़े सर्कल के साथ, और हमें पता है यहाँ पे रेडियस और टेंजेंट आपस में 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये एंगल भी 90 का है और ये एंगल भी 90 का, इसका मतलब पाइथागोरस से हम साइड्स निकाल सकते हैं। तो बेटा जब हम इस ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे, तीन इसका परपेंडिकुलर और चार बेस है, तो इसका हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा 5 cm। हमें इसका ट्रिपलेट याद ही है, 3, 4, 5 cm होता है। अब देखिए इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओ पी आर में क्या है आपके पास, ओ पी इज 5 जो कि इसका हाइपोटेन्यूस है, और ओ आर इसकी अगर बेस मान लें ये 2 cm है, तो मुझे परपेंडिकुलर निकालना है पी आर, है ना। तो ये कितना बनेगा, ओ पी स्क्वायर आपके पास है ओ आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, ध्यान रखना है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया 25, यहाँ आ गया 4 प्लस पी आर स्क्वायर, तो पी आर आपके पास कितना आ गया, अंडर रूट 25 माइनस 4, दैट मीन्स अंडर रूट 21 cm।